अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वीडियो का अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था कि रसल वाइपर का कभी जहर निकाल कर दिखलाइए। तो आज सचमुच रसल वाइपर का हम जहर निकालने जा रहे हैं, किस तरह जहर होता है, कौन सा कलर का होता है, इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहें और देखें, इससे कुछ सीख आप लोगों को भी मिलेगी और हमारी तरह नकल बिल्कुल ना करें। देखिए, ये है रसल्स वाइपर और रसल्स वाइपर को गलत ढंग से बिल्कुल ना पकड़ें। पकड़ना एक कला है साथियों, पकड़ना ही एक कला है। रसल्स वाइपर को कभी कभी क्या होता है कि ये अपने जबड़े को फाड़कर दांत गड़ा देता है। तो देखिए किस तरह रसल्स वाइपर जहर को उगल रहा है। वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं रसल्स वाइपर का जहर किस तरह निकाला जाता है। इस चैनल में और इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि लोग के अंदर एक जागरूकता फैलाना। हमारा भारत देश में कोई भी पब्लिक या इंसान जहर को नहीं निकाल सकता है, इस पर बैंड है, कड़ा प्रतिबंध है। हमें जहां तक मालूम है, भारत में जैसे हिमाचल, चेन्नई, बलिया, कोलकाता, बहुत ऐसे बड़े बड़े शहर में गवर्नमेंट का अपना खुद वेनम कलेक्शन सेंटर है, जहां गवर्नमेंट खुद निकालती है और वो खुद अपने से सप्लाई करती है। जैसे गन का फैक्ट्री होता है, बंदूक का फैक्ट्री होता है, वो खुद बंदूक बनाएगी, गन बनाएगी उस और बिक्री करेगी। उसी तरह जहर निकालना, बेचना कानूनन जुर्म है, ये बिल्कुल कतई ना करें। और सर, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, ये वीडियो अमेरिका का है और वहाँ इतना ही आधुनिक ढंग से इसे रखा जाता है। लाइफलाइजर मशीन आती है, उसी में ही पॉइजन को सुरक्षित रखा जाता है। और आज के डेट में 80% दवा सांप के जहर से बनती है, इसलिए गवर्नमेंट इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, ज़्यादातर अमेरिका में होता है, और हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर और भी वीडियो आप तक पहुंचाना। ये वीडियो हमें एक फ्रेंड ने हमें दिया था कि आप लोगों को बताइए, और बहुत सारे लोग भी वेट कर रहे थे कभी निकाल कर दिखलाइए। चूँकि जो ही ये निकलता है, ये वो मशीन हम लोगों के पास नहीं है जो मशीन में ये रहता है, रखा जाता है। चूँकि उस मशीन हम लोग रख ही नहीं सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध है। और किस तरह लगा वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, वीडियो आपने देखा, ये वीडियो हमारा भारत देश का नहीं था, ये अमेरिका का वीडियो था। क्योंकि भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है, खास करके जहर पर, क्या है, पॉइजन पर, इसलिए दोस्तों इस तरह बिल्कुल कतई ना करें। क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट ही सिर्फ पॉइजन को निकालने का प्रावधान है और उन्हीं को प्रावधान है इसे दवाई बनाने का। तो साथियों, और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि रसल्स वाइपर एक ऐसा सांप है जिसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है, और देख रहे हैं आप एक उग्र रूप, एक ऐसा ही जहरीला रसल्स वाइपर।
शायद आपने सुना आवाज, तुरंत ये बाइट करता है, इसलिए इसे छूने के लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे हमारी तरह हाथों से जाकर ना पकड़ें, पकड़ने के लिए उपकरण है और उपकरण से ही पकड़ें। और रसल्स भाइपर किस तरह बच्चों को जन्म दे रही है वो भी वीडियो आप लोग देखें। साथियों देखा आपने रसल्स भाई पर किस तरह बच्चों को जन्म देती है, और ये खास करके चूहा को ही अपना शिकार बनाती है, क्योंकि ये ज्यादातर खेतों में, खलिहान में और जहां चूहा का वास होता है वहीं रसल वाइपर ज़्यादा रहना पसंद करता है। इसे बिल्कुल हाथ से ना छुएं, हाथ से छूते ही ये तुरंत बाइट कर देगा, और बाइट करते ही वो जगह फूलना, पीज भरना, मांस सड़ना, गलना, उस जगह से दुर्गंध आना। इसे बचने के लिए आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, यानी सदर हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, क्योंकि वहीं पर मुकम्मल इलाज है, और नहीं तो ओझा गुनी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें साथियों, और नहीं तो मारा जाइएगा। ये जो हमारा पकड़ने का उपकरण है ये आप जरूर ले लें। जितने भी रेस्क्यूअर हैं ये क्या करें, हाथ से इसे बिल्कुल छूने का प्रयास ना करें। चॉकलेट का जार में सांप को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि चॉकलेट के जार में रखने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसलिए आप एक बैग बना लें या बैग हम लोगों के द्वारा मंगवा लें। और हमारा मोबाइल नंबर है 9333320555 पर कॉल कर बड़ा आसानी से मंगवा सकते हैं। और ये साक्षात जमराज, यानी मौत का दूसरा नाम जमराज, जिसे हम लोग एशिया का सबसे घातक हमला करने वाला सांपों में एक सांप, जो कॉइन कॉइन की दागी है, देखिए चारों तरफ गोल 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 दागी है, इसे अजगर का बच्चा ना समझ लें, और इसे सेंट बोआ, रेड सेंट बोआ ना समझ लें, क्योंकि बहुत ही हमला करने में बहुत ही माहिर वाला सांप होता है। और भारत में इसकी कुल लंबाई लगभग 3.5 से 4 फीट की पाई गई है, और इसे हम लोग मराठी भाषा में घोषण या घोनस भी कहते हैं, घोनस या घोषण कहते हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे इधर बंगाली भाषा में चंद्र बोड़ा, बहरा जोड़ा नाम है, और एक साइंटिफिक नेम है साथियों, डोबिया रेसलस। रेसल्स भाई पर बच्चों को ही जन्म देती है। आप अपने घरों के अगल बगल गाछ वृक्ष पेड़ पौधा लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांपों को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोग कहते हैं रिलीज नहीं करते हैं, इसे रिलीज करते हुए दिखलाइए लोगों को। ये धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाएगा, पैर दबते ही तुरंत बाइट कर देता है, जाने दीजिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।